अमोल है और आप देख रहे हैं लूम सोलर का वीडियो ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे सोलर बैटरीज के बारे में। सोलर सिस्टम में टोटल तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज। बैटरी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है क्योंकि बैटरी ही डिसाइड करता है कि आपको बैकअप कितना मिलेगा। जब हम एसी, टीवी या फ्रिज चलाते हैं तो ये बैटरी की पावर है जो डिसाइड करती है कि कितने घंटे तक चलेगा। इसलिए बैटरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे बैटरीज की एबीसीडी, यानी बैटरी के बारे में सब कुछ। वीडियो को आप डिटेल्स में देखें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या कवर किया है। सोलर बैटरीज में टॉप ब्रांड कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि बैटरीज जो बैकअप टाइम देती है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करें कि बैटरी मेरी 3 घंटे चलेगी या फिर 5 घंटे चलेंगे। साइंटिफिक फॉर्मूले के थ्रू हम जानेंगे कितने प्राइस रेंज में सोलर बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है, ये भी बताएंगे आपको। और जब सुबह से लेकर शाम तक सन पावर अवेलेबल है तो बैटरी चार्ज होगी या नहीं होगी, और कितने पावर का आपको सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसको भी साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि सोलर बैटरी नॉर्मल बैटरी से कैसे अलग है, क्योंकि बहुत तरह की बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा ये जानेंगे कि कैसे जाने की बैटरी डेड है, अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है, बैकअप नहीं दे रही है, तो कंपनी से उसका वारंटी क्लेम कैसे लेना है। और वीडियो के आखिरी हिस्से में जानेंगे कि बैटरी की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी जानेंगे मेंटेनेंस टिप्स के बारे में। सोलर बैटरीज में टोटल 4 नेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एक साइट नंबर 1 पे आता है, इनकी सोलर बैटरी जेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री में एक साइट का ही बैटरी है जो जेल टेक्नोलॉजी में आता है और किसी भी कंपनी का नहीं आता है। इनकी बैटरी C10 होती है। जेल होने की वजह से इसमें आपको वाटर टॉप अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। दूसरे नंबर पर आता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का टोटल टर्नओवर 3000 करोड़ के आसपास का है। सोलर बैटरीज पिछले 2010 से बना रहे हैं और मार्केट में 29 ईयर्स का इनका एग्जिस्टेंस है। इनकी बैटरी की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और आपको बैकअप टाइम भी काफी अच्छा मिलता है। C10 में सोलर एप्लीकेशन के लिए बैटरीज बनाते हैं। 20 ईयर्स से लेके 200 ईयर्स तक की बैटरी की रेंज है और 3 साल और 5 साल दो वेरियंट में इनका बैटरीज मार्केट में अवेलेबल होता है। तीसरे नंबर पर आता है माइक्रोटेक का फैमिली ब्रांड ओकाया। ओकाया का भी मार्केट में एक अच्छा खासा नाम है। 20 ईयर्स से लेके 200 ईयर्स तक की रेंज है इनके पास, 3 साल और 5 साल दो वेरियंट्स में बैटरीज अवेलेबल है, और इनकी जो बैटरीज है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होती है, साथ में MNRE और TUV जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अप्रूव होती है। चौथे नंबर पर आता है सुकैम। सुकैम सोलर में एक अच्छा खासा नाम माना जाता है, ये भी बैटरीज बनाते हैं, बट इनकी जो बैटरीज है थोड़ी कम वारंटी मिलती है इनकी बैटरीज पे आपको। जहां दूसरे लोग 5 साल तक की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, वहीं सुकैम 4 साल तक की टोटल वारंटी ऑफर करता है, और इनकी बैटरीज भी बाकी प्लेयर्स की तरह C10 कैपेसिटी में बनाया जाता है। घर में जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है तो मन में एक ही डाउट आता है, यार ये बैटरी कितने घंटे चलेगी या फिर कितना बैकअप देगी। तो आइए इसको समझते हैं साइंटिफिक तरीके से। बैटरी की कैपेसिटी को MPR यानी कि एच में मेजर किया जाता है। सारी बैटरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं 12 वोल्ट की होती है और बैटरी का एफिशिएंसी औसतन 80% के आसपास होता है। तो बैटरी का बैकअप फॉर्मूला होता है बैटरी की कैपेसिटी यानी बैटरी की एज मल्टीप्लाइड बाय 12 वोल्ट इंटू 80% द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी, और आप जितनी बैटरी यूज करेंगे आप उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसको डिवाइड करेंगे जितना आप लोड घर में चलाएंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर आप 2 पंखा चलाना चाहते हैं, एक पंखा 75 वाट पावर कंज्यूम करता है तो 2 पंखा 150 वाट पावर कंज्यूम करेगा। सो अगर इसको प्रैक्टिकली समझे कि अगर आपने 100 एच की बैटरी बाय करी है तो 100 एच इंटू 12 वोल्ट इंटू 0.8 इंटू 1 कि आता है 960 वाट आवर, यानी कि आपकी जो बैटरी है 960 वाट आवर पावर स्टोर कर रही है। और जब आप 2 पंखा 150 वाट का चलाएंगे तो आप 960 को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 6.4, यानी कि आपका जो बैटरी का बैकअप टाइम है वो 6.4 आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इम्पैक्ट करती है वो बैटरी का प्राइस। सोलर बैटरी आपको कितने प्राइस का मिलेगा? सोलर बैटरी में 2 फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करता है। पहला, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है यानी कि कितना पावर स्टोर करेगा, और दूसरा, आपको रिप्लेसमेंट वारंटी कितनी मिलेगी। इन्हीं 2 फैक्टर से बैटरी का प्राइस डिसाइड होता है। जब आप 20 एच की बैटरी लेंगे तो सबसे सस्ता होगा, और जैसे ही बैटरी की कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ही प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो 20 एच से महंगा 40 एच होगा, उससे महंगा 60 एच, 80 एच, 100 एच, 150 एच और 200 एच। 20 एच का मतलब ये है कि सारी बैटरीज 12 वोल्ट की होती है। जब आप 20 एच को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 वाट आता है, यानी कि आपकी जो बैटरी है 240 वाट पावर स्टोर कर रही है।
जब आप 100 एच की बैटरी बाय करते हैं और उसको 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 12 1200 वाट आता है, यानी कि जो आपकी बैटरी है 1200 वाट पावर को स्टोर कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जितना बड़ा पावर स्टोरेज टैंक उतनी ही महंगी बैटरी। दूसरी चीज जो बैटरी को इम्पैक्ट करती है इसके प्राइसिंग को, वो है इसका रिप्लेसमेंट वारंटी। जितनी ज्यादा रिप्लेसमेंट वारंटी उतना ज्यादा प्राइस। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट्स में अधिकतर ब्रांड्स ने दो तरह के वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ और 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। जान लेते हैं कि सोलर बैटरी नॉर्मल बैटरी से कैसे अलग है। सोलर बैटरी भी ट्यूबलेट टेक्नोलॉजी में बना होता है, बट इसके कुछ फायदे हैं। पहला, जो नॉर्मल बैटरी है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 3 से 5 साल की होती है, वही सोलर बैटरी 8 से 10 साल चलता है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स हैं, नॉर्मल बैटरी में आपको मैक्सिमम 3 साल तक की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, सोलर में आपको रिप्लेसमेंट वारंटी 5 साल तक का मिलता है। नॉर्मल बैटरी C20 होती है, यानी कि 20 आवर्स में डिस्चार्ज के लिए बनाया गया होता है। वही जो सोलर बैटरी है वो C10 में बनी होती है। C10 का मतलब ये होता है कि 10 आवर्स में डिस्चार्ज के लिए बनाया गया होता है। C10 का मतलब ये है कि ये बैटरी काफी पावरफुल होती है और बिल्कुल एक्सटेंसिव यूज के लिए बनाया गया होता है, इसलिए बैटरी के अंदर लेड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरे लैंग्वेज में समझे तो इसे हम लोग एकदम हेवी ड्यूटी या फिर पावरफुल बैटरी बोल सकते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो 150 एच की नॉर्मल बैटरी है C20 में, सोलर में उसी बैटरी को 135 एच में मेजर किया जाता है, यानी कि 135 एच में बिकती है। तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कितने एच की बैटरी बाय करनी है। अब ये जानेंगे कि आपकी बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज करने के लिए कितने वाट का मॉड्यूल आपकी छत पर इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने अज्यूम किया है कि आपने 150 एच की बैटरी को बाय किया है अपने घर के लिए, सो अब ये डिसाइड करना है कि कितने वाट का पैनल लगाएं ताकि आपकी जो बैटरी है पूरे दिन में सोलर पैनल से चार्ज हो सके। नॉर्मली ये फॉर्मूला कहता है कि आपकी बैटरी जितने एच की है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर 150 एच की बैटरी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट का मॉड्यूल कम से कम होना चाहिए, तभी आपकी बैटरी पूरे दिन में चार्ज हो सकती है। ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से होता है ये देखते हैं। आपको मॉर्निंग के सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टोटल 10 आवर्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको बैटरी को चार्ज करना है सन से। 150 एच की बैटरी है, अगर आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 एम्पियर का चार्जिंग करंट चाहिए सोलर पैनल से, तभी बैटरी आपकी पूरे दिन में चार्ज हो सकती है। 300 वाट के इंस्टॉलेशन के लिए आप 150 वाट के 2 पैनल इंस्टॉल करेंगे। एक 150 वाट का पैनल 8 एम्पियर के आसपास करंट जनरेट करता है, यानी कि 2 पैनल पूरे दिन में 16 एम्पियर का करंट जनरेट करेगा पर आवर, जो कि एक 150 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशियंट है। आपको पता कब लगेगा कि आपकी बैटरी खराब हो गई है? जब बैटरी बैकअप देना बंद कर देती है तो उसे डेड माना जाता है। कंपनी की नजरों में जब कोई भी बैटरी 60 मिनट से कम का बैकअप देती है तो उसे डेड माना जाता है। तो अगर आपकी बैटरी वारंटी पीरियड में है, जैसा कि सोलर में 5 साल तक की वारंटी मिलता है, और आपकी बैटरी 60 मिनट से कम का बैकअप दे रही है, तो आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं और आप एक नई बैटरी क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। अब बात कर लेते हैं बैटरी के मेंटेनेंस टिप्स की, जो कि बैटरी का लाइफ बढ़ाने के काम आता है। आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हमने उकाई की बैटरी को अनबॉक्स किया है। जैसा कि मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो बता रहा था कि सोलर की सारी बैटरी C10 रेटेड होती है। ये बैटरी 150 एम्पीयर आवर की है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये C10 रेटेड है। इस बैटरी की रिप्लेसमेंट वारंटी 5 इयर्स है। मेंटेनेंस कैसे करना है? हर एक बैटरी में टोटल 6 सेल्स होते हैं, 2, 4, 6, और आपको हर सेल के साथ एक वाट लेवल इंडिकेटर मिलता है। ये वाट लेवल इंडिकेटर बैटरी के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है उसको दिखाने के काम आता है। आपको दिखाने के लिए हमने इसमें इसको इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि नई बैटरी है तो पानी का लेवल पूरा है, इसीलिए ये बिल्कुल फुल तक आ रहा है। जब ये रेड या उसके नीचे आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर पानी का लेवल कम हो गया है, यानी कि बैटरी में पानी डालना जरूरी है। आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर या फिर बैटरी वाटर डाल सकते हैं। हर 3 महीने में ये जनरली आपका रेड पे आ जाएगा। तो अगर आपने 3 महीने में इसके अंदर वाटर पंप नहीं किया तो आपकी बैटरी जल्दी खराब हो सकती है या फिर बैटरी का बैकअप कम हो सकता है।